नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टर डबल स्वागत है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में आई है इंस्पेक्टर, SI, JE, SI इलेक्ट्रिकल, इसमें भी अलग अलग ट्रेड मांगे गए हैं, वो अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। योग्यता की बात करें तो डिग्री मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है आपसे, और सैलरी की बात करें तो आपसे 45,000 प्लस आपके अकाउंट में आ जाएगी। और पद की बात करें तो 90 पद आए हैं, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू है और फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सारी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पर नया हो और गवर्नमेंट जॉब पे तैयारी कर रहे हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि आपको इसको इस चैनल पे आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, किस किस पद पर भर्ती आई है और कितनी आई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रोजगार समाचार का है, डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा आया है, ग्रुप बी और नॉन गेस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल ऑफ पोस्ट है। पोस्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की बात करें तो एक पोस्ट आई है, वो भी जनरल की एक पोस्ट, और इसमें लेवल 7 का है। 44,900 तो आपका बेसिक पे है, बाकी आपकी सैलरी तो समझ लो 60-70 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगी। सब इंस्पेक्टर वर्क्स की बात करें तो जनरल में 24, EWS में 5, OBC में 16, SC में 8, ST में 4, और टोटल 57 पोस्ट आई है, और 10% 5 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6 की है, 35,400 रुपये आपका बेसिक पे है, सैलरी आपको 45,000 तो प्लस मिलनी ही है। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल पोस्ट आई है 32, जिसमें अनरिजर्व है 16 पोस्ट, EWS की है 4, OBC की है 4, SC की है 5 और ST की है 3। अब कैसे इसको अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केवल ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजना। अब 45 डेज जब ये रोजगार समाचार में आ जाएगा उसके बाद से। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर आर्किटेक्ट में मांगा गया है डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972। सब इंस्पेक्टर वर्क की बात करें तो पास 3 ईयर डिप्लोमा सीनियर डिप्लोमा चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आई है, पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 30 साल मांगी गई है, बिलो 30 साल आपकी होनी चाहिए इंस्पेक्टर की आर्किटेक्ट में। सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक इसका फॉर्म अप्लाई करने की डेट होगी लास्ट डेट। और लास्ट डेट होगी इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की, जिसकी लास्ट डेट होगी जब से फॉर्म आएगा तब से इसकी लास्ट डेट होगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको देख लेना। अभी इसकी ऑनलाइन ओपनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इन्होंने नोटिफिकेशन तो दे दी है रोजगार समाचार में, मगर अभी तक इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी न्यूज़ अभी ज़्यादा नहीं मिल पाई है, ये अभी रोजगार में छोटा सा नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आपको पहले से बता दिया ताकि आप तैयार रहो, जैसे ही आएगा वैसे आप अप्लाई करना। 90 पोस्ट आई है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, BSF में है, नॉन गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा आपको, वर्दी भी मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।